हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूँ, जो आप कमेंट करते हैं उन पर वीडियो जरूर बनाता हूँ। कल मैं एक वीडियो लेकर आया था आपके मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 से रिलेटेड। उस पर काफी क्वेश्चन आए कि सर वर्ग 3 के एग्जाम कब होंगे, के एग्जाम फरवरी में हो सकते हैं या फिर और आगे बढ़ सकते हैं। तो आज इसी पर डिस्कशन करेंगे। साथ में दोस्तों, आप वर्ग 3 की तैयारी तो कर ही रहे, लेकिन वही तैयारी आपके और एग्जाम में भी काम आ सकती है, तो उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग 3 की। दोस्तों, मैं लास्ट संडे को एक वीडियो लाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी पीएबी की अपडेट है वो हम लाने की कोशिश करेंगे, और पीएबी ऑफिस जाकर लाने की कोशिश करेंगे। मेरे कुछ मित्र हैं जो पीएबी ऑफिस गए थे दोस्तों, मंडे को गए थे, और मंडे को जब वो गए तो वो अधिकारी इनसे संपर्क नहीं हो पाया, जो कि आपके वर्ग 3 से रिलेटेड जो न्यूज होते हैं या जो सूचना होती है वो अपडेट करते हैं। फिर वो मंगलवार को भी गए और वही अपडेट मिला दोस्तों। इस पर मैं वीडियो इसलिए नहीं लाया कि कुछ नया अपडेट नहीं मिला ऐसा। उन्होंने यही कहा कि हम आपके जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी में आपकी एग्जाम डेट डिसाइड कर देंगे। हमें एग्जाम 100% लेना है, आप अपनी तैयारी पर फोकस करें, आपके एग्जाम हो ही जाएंगे। यानी कि उन्होंने कंफर्म कहा है कि आपके एग्जाम ज्यादा डिले नहीं होंगे, हमें एग्जाम लेना है, पूरा शेड्यूल अपडेट होना है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक पॉजिटिव बात ये निकल के सामने आ रही है कि पीएबी पूरा गंभीर है आपके एग्जाम लेने को। और जैसे कि एक न्यूज़पेपर के हवाले से कहा गया था कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने रोक लगाई है, तो ऐसी उन्होंने कोई भी बात वहां पर नहीं बताई पीएबी ऑफिस में। उन्होंने कहा कि आप अपनी तैयारी पर फोकस करें और आपके एग्जाम बहुत जल्द से जल्द होंगे, इसलिए आप अपना टाइम बर्बाद ना करें। तो उन्होंने भी वही सलाह दी कि आप तैयारी जारी रखें। जो शेड्यूल है लगातार आप देख रहे होंगे कि उनके जो पीएबी की एग्जाम है वो लगातार कंडक्ट होते जा रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम हो भी रहे हैं। लेकिन वर्ग 3 चूंकि ज्यादा बड़ा एग्जाम है, इसमें काफी फार्म फिल हो रहे हैं, और अभी पुलिस भर्ती के भी फार्म फिल हो रहे हैं, उसमें भी करीबन बताया जा रहा है कि 6 लाख से ऊपर फार्म फिल होंगे। वही वर्ग 3 में 6 लाख से ऊपर फार्म फिल है, तो ये जो एग्जाम है बड़े माने जाते हैं। तो इसके लिए जो शेड्यूल चाहिए कम से कम 22-23 दिन का चाहिए, यदि 2 शिफ्टों में एग्जाम होता है। यदि 3 शिफ्टों में कर देते हैं तो फिर यह है कि 22-23 से कम समय में भी हो सकता है। तो उस हिसाब से उन्हें वो देखना पड़ रहा है दोस्तों। और यही अपडेट निकल के आई है कि जनवरी के जो लास्ट वीक है या फरवरी के जो स्टार्टिंग वीक है उनमें हम आपका पूरा शेड्यूल अपडेट कर देंगे, जिससे आपको ये मालूम चल जाएगा कि वर्ग 3 की एग्जाम किस डेट को होनी है, और जो अपडेट आएगी वो फाइनल डेट आएगी। तो दोस्तों, जो लास्ट में आप तैयारी करते हो वही आपके सबसे ज्यादा काम में आती है। तो अभी तक यदि आपने तैयारी नहीं की है या छोड़ रखी है तो इसे सीरियसली ले लो दोस्तों, क्योंकि वर्ग 3 की एग्जाम की डेट बहुत जल्दी जारी हो सकती है पीएबी की अकॉर्डिंग। यही उनके ऑफिस से पता चला था, और ये एक ऐसी अपडेट थी दोस्तों कि जिसमें ज्यादा हम ये नहीं कह सकते कि फरवरी या मार्च में कब आपके एग्जाम होंगे, लेकिन आपका शेड्यूल जो है वो आपके लिए बहुत जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा, तो ये एक बड़ी बात है। अब सेकेंड हम बात करें दोस्तों, जो पीएबी से अपडेट आया वो तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन सेकेंड बात करें कि हम लगातार वर्ग 3 की 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी तो बेटर हो गई, लेकिन जब एग्जाम ही देने को नहीं मिल रहा है तो उस तैयारी हमारी किस काम की। तो वो तैयारी आपकी काम की है, सी टेट का एग्जाम है उसमें बेस्ट करेंगे। जिनका सी टेट क्लियर हो चुका है उनके लिए भी काफी वैकेंसी आ रही है और आती रही है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैं भी अपडेट लाने की कोशिश करूंगा कि जो सी टेट क्लियर करके बैठे हैं वो किस तरह से आवेदन कर सकते हैं। और एक एग्जाम और देना होता है सी टेट के बाद, उसके बाद आपका चयन हो जाता है दोस्तों, जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं उनमें चयन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वो उसकी जानकारी मैं लाता रहूंगा, और आप भी देखते रहें, अलग अलग वेबसाइट पर जानकारी आती रहती है, यहाँ पर सी टेट क्वालिफाइड मांगे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद रीट रीट के एग्जाम जो होंगे अप्रैल में होंगे दोस्तों, जहां तक बताया जा रहा है 25 अप्रैल को ऑफलाइन एग्जाम एक साथ होने हैं, पूरे राजस्थान में होने हैं, उसमें आप आवेदन जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ये जो आपकी तैयारी है वहां पर भी काम आ सकती है दोस्तों। और रीट से संबंधित यदि आपको बुक्स की जानकारी नहीं है तो मैंने अपने फेसबुक पेज @AtulKumarSharma09 पर बेस्ट बुक्स की जानकारी डाल दी है, जिन्हें आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मध्य प्रदेश से जैसे हम बिलोंग कर रहे हैं और मैं जहां पर सीपरी हूं, तो बहुत से मेरे ऐसे
स्टूडेंट थे जो वर्ग तीन की लगातार तैयारी कर रहे थे मेरे पास, क्योंकि मैं निःशुल्क जो उन्हें कोचिंग क्लास देता था वो उसमें ज्वाइन करते थे। फिर बीच में लॉकडाउन आ गया, इसलिए वो जो कंटिन्यूटी थी वो टूटी बीच में। लेकिन उन्होंने भी रीट का फॉर्म फिल किया है, उनके पास बुक्स थी नहीं, ऑफलाइन मार्केट में अभी आई नहीं है, ऑनलाइन मिल रही हैं, तो मैंने वो बुक्स मंगाई जो कि मैंने आपको मेरे फेसबुक पेज पर बताई हैं। वो बुक्स मैंने मंगाकर और स्वयं उन्हें देखा है, तो बेस्ट बुक्स हैं अपने आप में, और मैंने उन्हें फ्री मान लो, क्योंकि हम किसी की मदद तो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ उसके सपने साकार हो जाए इसके लिए एक बुक्स तो उसे दे ही सकते हैं, क्योंकि बुक्स की ज्यादा कीमत होती नहीं है। 100 रुपए 150 रुपए की बुक्स आती है, लेकिन यदि उसे पढ़कर इंसान कोई जॉब हासिल कर लेता है तो उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। तो आपसे भी मैं ये कहूंगा कि आपके आसपास भी ऐसे कोई लोग हैं जो कि बुक्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज उनकी मदद करें, क्योंकि 100-150 रुपए आपके लिए ज्यादा कीमत नहीं रखेंगे दोस्तों, लेकिन जिसकी आपने मदद कर दी ना उसके लिए वो बहुत कीमत रखते हैं। किसी के सपने साकार करने में यदि आपने 0.001% भी एक सहयोग कर दिया, बहुत बड़ी बात होती है मेरे हिसाब से दोस्तों। तो ऐसे जो लोग थे उनके लिए वो बुक्स मुझे मंगानी पड़ी, और काफ़ी अच्छी बुक्स थी। अभी उनकी तैयारी चल रही है, क्योंकि तैयारी उनकी थी वर्ग तीन के एग्जाम की, अभी डिसाइड नहीं हुई है डेट, तो रीट की कर रहे हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों आप सीटेट, रीट या और कुछ जो भी, जैसे सीटेट के बाद भी केंद्रीय विद्यालय में जॉब निकलती है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं लगी जाएगी। और वर्ग तीन मेन फोकस है, वर्ग तीन की डेट भी जल्द से जल्द आ ही जाएगी। अब यहाँ पर हमें सोशल मीडिया अभियान की भी बहुत से लोगों ने बात कहा कि सर सोशल मीडिया अभियान चला सकते हैं, तो डेफिनेटली हम चला सकते हैं, क्योंकि मेरे ट्विटर अकाउंट है फॉलोअर्स हैं ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं अपने स्तर से कोशिश करूंगा, अपने ट्विटर से कोशिश करूंगा कि सभी ट्वीट और रीट्वीट करें, जिससे कि हमारा ये जो मांग है सभी तक पहुंचे दोस्तों। और इसके लिए हम मांग करेंगे ही करेंगे 100% सोशल मीडिया के द्वारा, जिससे कि जो मांग है वो सभी तक पहुंचे, एक जो पीएबी तक भी पहुंचे, और जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे सीएम साहब हैं, जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उन तक भी ये बात पहुंचे कि करीबन 1 साल से ऊपर हो चुका है लेकिन वर्ग तीन के एग्जाम अभी तक कंडक्ट नहीं हुए हैं, तो इससे भी हमें लाभ मिलेगा। तो डेफिनेटली वो मुहिम में आज संडे है, तो आज से स्टार्ट कर सकता हूँ। 2 से 5 के बीच में मैं ट्वीट या रीट्वीट करूंगा, या फिर कुछ दिन और रुक कर बहुत सारे जो जनरल चैनल हैं उनसे बात करके और फिर इसमें हम भाग लें, तो और ज़्यादा सशक्त ये अभियान हो सकता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे जो चैनल्स हैं बहुत से उनसे लोग जुड़े हुए हैं वर्ग तीन में, खासकर उन लोगों से ज्यादा जुड़े हैं जो कि वर्ग तीन की रेगुलर तैयारी करा रहे हैं, या जिनके सब्सक्राइबर बहुत लाखों में हैं उनसे ज्यादा, तो यदि वो भी इसमें सहयोग करने लगे तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी उनसे भी संपर्क करेंगे दोस्तों, और जो भी इसमें सहयोग देना चाहे बिल्कुल दे सकते हैं, और आप भी अपनी तरफ से सभी से एक डिमांड करें कि जितने भी जनरल चैनल्स हैं, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये यदि कोशिश करेंगे तो वर्ग तीन की जो मुहिम है वो आगे बढ़ेगी, तो आप भी उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर आज के वीडियो का एक ही टॉपिक था कि वर्ग तीन के एग्जाम कब हो सकते हैं, तो यही बताया गया कि जनवरी के लास्ट या फरवरी के स्टार्टिंग में हम आपकी जो एग्जाम डेट है वो जारी कर ही देंगे, यानी कि कुछ ना कुछ अपडेट आपको मिल जाएगा, और जो डेट अब बताई जाएगी वो फाइनल होगी, अब वो आगे नहीं बढ़ेगी। और वो पीएबी सीरियसली है इस बात को लेकर कि वर्ग तीन के एग्जाम कंडक्ट कराने ही कराने, तो उसकी तैयारी के साथ साथ रीट की तैयारी कर सकते हैं। सी टेट के आपके 31 जनवरी को एग्जाम है, तो उसकी तैयारी चल रही है, तो उसमें भी आप बेस्ट करेंगे, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आपको 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों ये वीडियो एक सूचना मात्र कह सकते हैं, अपनी मन की बात कह सकते हैं, आपने इसे देखने के लिए इतना अपना कीमती समय निकाला दोस्तों, उसके लिए थैंक्स शब्द बहुत छोटा है, फिर भी मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ।